हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 8.4। तो 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए हमारे पास कौन सा पार्ट है, 8th पार्ट इसका पढ़ने जा रहे हैं। तो 8th पार्ट इसका देखिए हमारे पास क्या होगा, कह रहा साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए के का होल स्क्वायर। प्रूफ हमको करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। तो देखिए इसका LHS पार्ट हम लोग ले लेते हैं। LHS पार्ट हमारे पास क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर है? देखिए यहां पे ये जो फॉर्म हमारे पास है ये कौन सा फॉर्म है, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। यहां पर भी ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर फॉर्म बन रहा है। तो वी नो दैट ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। क्लियर? ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहां पे ए की जगह पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस टू ए बी, मतलब टू साइन ए इंटू कॉसेक ए। क्लियर? ये एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए इंटू सेक ए। ये एक ब्रैकेट में हो गया। अब देखिए यहां ध्यान से देखिए, ये साइन ए लिखा है, यहां पे कॉसेक ए लिखा है। तो कॉसेक अपॉन जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो साइन और ये कॉसेक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पे कॉस है यहां पे सेक है, तो सेक हो जाएगा वन अपॉन कॉस, तो सेक कॉस क्या हो जाएगा, वन। क्लियर है? तो यहां पे हमारे पास बच्चा देखिए साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए एक पास ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक पास चला गया। क्लियर है? सेकेंड पार्ट कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, एक पास ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, एक पास चला गया। क्लियर? अब हमारे पास क्या बचा, ये दो और ये दो, कितना हो जाएगा टोटल, चार। यहां पे बात समझ आई, ये साइन है कॉसेक के, समझ में आया ना, कॉसेक का क्या रेसिप्रोकल होता है, वन अपॉन साइन, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? यहां पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाता है, वन। क्या फॉर्मूला होता है, वन। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन होता है प्लस, अब ये देखिए कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखिए इधर कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहां पे sec स्क्वायर a इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो यहां पे रख देते हैं, देखिए यहां पे 1 प्लस cot स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस cot स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot और sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्लियर है? प्लस कितना है, 4। अब यहां पे देखिए 1, 2, 3 और ये 4, टोटल कितना, 4, 5, 6, 7, टोटल कितना हो गया हमारे पास, 7 प्लस यहां पे कितना है, रुक क्या करना था, tan स्क्वायर है, तो देखिए tan है हमारे पास, तो यहां पे लिख लिया tan स्क्वायर a प्लस यहां पे कितना है cot स्क्वायर a। तो यही हमको RHS पार्ट में क्या करना था, प्रूव करना था। तो बच्चों इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।